क्षम्यता मम पुत्रिका आगच्छति। चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। तो ये and, वाला तो समझ गया गीता जी आपको। And I think you said something about agami means is come, it is going to come, because I've written this words somewhere. Agamishyami. तो आप बोलना क्या चाहती हैं पहले वो बोलिए। नहीं 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 something which is going to come like in agami. Agami I think it's coming. आगामी हिंदी में होता है, आगामी का अर्थ हिंदी में होता है कि आने वाला, कोई चीज आने वाली चीज है, और आगामी इज अ नाउन। पर जो हम संस्कृत में बात कर रहे हैं, हमने शायद आगामी नहीं बात की थी, पर आगमिष्यामि अवश्य किया हो सकता है। आगमिष्यामि भविष्यकाल रूपे, ये भविष्यकाल है। तो जैसे हम कहते हैं ना, आप बोलती हैं कि आगच्छामि, जैसे आप खाना पकाने के लिए जब भाग भाग के जाती हैं तो आप बोलती हैं आगच्छामि, तो उसका अर्थ है कि मैं आती हूँ, ठीक है, आई एम कमिंग। यदि आगमिष्यामि बोलेंगी तो दैट विल बी आई विल कम बैक या आई विल कम, तो दिस इज फ्यूचर। सो वेयर एवर वी हैव दैट या और श्या, इट बिकम्स फ्यूचर टेंस, करेक्ट। हाँ, एंड Gamishyami. No, I think I have written as agami as the coming month or coming week. Agami masaraha means the coming month. Correct? ऐसा वाला बोल रही हैं आप। हाँ, तो आगामी तो next मतलब coming, वैसा वाला आगामी। अग्रे मासा बोलते हैं ना, अग्रे। अग्रे भी कह सकते हैं, पूरतः भी कहते हैं। हाँ, पूरतः सामने वाला, आने वाला, सामने, पूरतः सामने वाला होता है ना, पूरतः सामने वाला, पृष्ठतः पीछे वाला, पूरतः आने वाला, तो वो भी चलेगा। और आगामी मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है आपने कहीं और से ये नोट्स बनाए हो गीता जी, ये मैंने ही बताया था आगामी, क्योंकि आगामी हमने बात की। One of those days I've written down, where we have written down about the time and all that. Achha. And Agra, I thought was, Agraja is the elder person, no? Agra, Agraja? हाँ, तो अग्र मूल शब्द है ना, अग्र मतलब आने वाला, बड़ा, ठीक है। अग्रज यदि आपने बोला तो उसका मतलब है कि जो पहले आया वो वाला अज, वो वाला पुत्र। अग्रजा मतलब पहले जो आया वो वाला, पहले जो आया, मुंदोचिना वाडु, मुंदोचिना दी, तो whoever came first, which means automatically बड़ा हो जाता है ना, because who came first is the elder one. Okay, so that's how you draw this Agre also. Agre means the one which has come early, the first one. अग्र का अर्थ होता है पहला, फर्स्ट या फ्रंट। अग्र जो मूल शब्द है उसका मीनिंग है फ्रंट, फ्रंट। हाँ, वही मुंदु, इन तेलुगु इट इज मुंदु। हाँ, आगे मुंदोच्चे, मुंदोच्चे वारमु, लेकपोते मुंदोच्चे मासमु, लाइक दैट। इसलिए अग्रज जब हम बोलेंगे, अग्रे आगे, आगे, दैट मींस बड़ा भाई। अग्रजः, 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 हाँ, विसर्ग। हाँ, अग्रज वी यूजुअली से, यू नो, आई रिमेंबर इन महाभारत सीरियल, नो, अग्रज पुत्र देसे, नो, अग्रज मींस द फर्स्ट चाइल्ड। हाँ, और उसमें आप ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे जैसे अर्जुन युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं तो उसमें वो भैया या भैया नहीं बोलते, उसमें एक तो भ्राताश्री बोलते हैं, तो भ्राताश्री भी वही बड़े भाई को बोलने के लिए। फिर भ्राताश्री तो खैर किसी के लिए भी बोल सकते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन उसमें अग्रज भी उपयोग कहीं कहीं पे करते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर के साथ नहीं करते शायद,
पर शायद कृष्ण जी या कोई और लोगों ने अग्रज या अनुज अनुज करके बोलते हैं, अनुज मतलब अनुज दे यूज अ लॉट, हां अनुज छोटा, हां अनु जो शब्द है ना, अनु मींस समथिंग दैट फॉलोस, ये वो वाला अनु है, ये अणु नहीं है, अणु जो हमने बोला वो एटम है, ठीक है, और अनु जो है अनुसरण जो होता है ना, अनुसरण करने वाला, तो अनु दैट इज समथिंग दैट इज फॉलोइंग, तो इसलिए अनुज मींस हु गॉट बोर्न लेटर। तेलुगु आल्सो इन तेलुगु आल्सो अनुसरिंचडम बोलते हैं, सो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अनु द स्मॉलर वन, हां one who followed the other kids, right? Anuj. तो अनुज तो बहुत उपयोग देखा है हमने महाभारत में भी, रामायण में भी, अग्रज भी होता है, तो इसका ये पुल्लिंग का ये है, अनुज अग्रज अनुज आ लगा दीजिए तो स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग का अनुज अग्रज और अनुज अग्रज अनुज मम अनुजा नामह नीलिमा द्रोणवल्ली, ओ मम अनुजा नामह नेहा, उत्तमम्। भवत्याः अनुजा गीता महोदय, मम भ्रातः अनुजः, हाँ तस्य नाम रमेशः, रमेश। ये मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है एक मिनट के बाद, तो कनेक्ट कर लीजिए। गीता महोदय भ्राता यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली से आई थिंक, बिकॉज़ वंस यू से अनुजः मामा अनुजः इट ऑटोमेटिकली मींस दैट यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। Sorry, that's why I wanted to say elder brother. That's why I mistook. Anujaha, I got confused. It is actually elder brother. Then I wanted to say Rataha Shri. But it Agraja. Agraja. Agrajaha Ramesha. Agraja. तो अच्छा है ना, अभी आप यही चीजें जब घर पे किसी से बात करेंगे या आपका अग्रज सामने आएगा तब आपको ये चीज ध्यान में आएगी कि कहाँ अग्रज उपयोग करना है और कहाँ अनुज उपयोग करना है। चलो तो ये वाला फिर आपका गीता जी काफी हो गया इसका, या तो फिर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं या फिर आप क्लास में थी पहले भी। गीता महोदय, आई एम बैक। नमो नमः। नमो नमः। नवीन जी भी आ गए। सर्वेषां नमो नमः। ठीक है, तो अब हमने ये वाली तालिका बनाई है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। हाँ
तो अहम मैं, तो ये जो है उत्तम पुरुष है। ओह अगेन देयर इज अ ब्रेक इन द वॉइस। अच्छा तो आपका शायद शुरू शुरू में वैसा होता है, इसका मतलब है जब कॉल चालू हो रही होती है। हाँ तो मैं जो एक वचन बहुवचन द्विवचन। हाँ हाँ और संस्कृत ही एकमात्र भाषा है पूरी दुनिया में जिसमें द्विवचन अलग से होता है, मतलब दो चीजों के लिए भी हम अलग से शब्द उपयोग करते हैं संस्कृत में। ओके तो ये उत्तम पुरुष आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? हाँ 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 तो ये अहम मतलब मैं, तो मैं वाला जो पूरा ये रो है ये उत्तम पुरुष की चल रही है। तो अहम आवाम वयम मतलब मैं, लेट मी राइट डाउन वन सेकंड, हम दोनों और हम सब। हाँ ये आप लिख लेंगी तो और अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। उत्तम पुरुष। तो अहम वदामि या अहम लिखामि, अहम पठामि, ये उपयोग आपको पता है। ठीक है, अब यही चीज उत्तम पुरुष में जब दो लोगों पे हो जाती है, हम दोनों, तब आवाम लिखावह, ये देखिए उपयोग थोड़ा सा अलग है। आवाम वदावह, तो ये जो वह लग रहा है ये इसको द्विवचन बनाता है। और ये पुस्तक का नाम सुना है आपने? आचार्य चतुर सेन की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, वयम रक्षामः। तो ये वही का वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वयम वदामह या वयम रक्षामह, वयम करामह, तो हम करेंगे। Actually, isn't it confusing? Like, avam lika vaha, you have the anuswara na for both of them na, won't you get confused? कहाँ पे अनुस्वार तो भाई है ही नहीं। अनुस्वार किधर है? विसर्ग है। गीता जी आपकी आवाज गायब हो चुकी है, तब तक मैं यहाँ पे प्रथम पुरुष लिख देता हूँ। नवीन जी आपको आवाज आ रही है? आम आम हाँ, तो फिर गीता जी की आवाज में कुछ हुआ है। आपको तो आ रही है, मतलब ठीक है। उधर गीता जी कुछ बोलिए। हेलो। हाँ अंग्रेजी हाँ. में बोलेंगे तो हमको कैसे सुनाई आएगा, संस्कृत में बोलना पड़ेगा। हाँ नो आई वाज आस्किंग अहम वदामि अहम लिखामि, that's all understood. Now you said avam likavah, that is visarga na, sorry I said anuswara. Visarga avam likavah. Then vayam rakshamah, both have the visarga na, correct? So isn't it confusing? Confusing for what?
देखो दोनों का उपयोग अलग अलग है ना, ये द्विवचन है, तो आवाम लिखा वह जब भी आप बोल रही हैं तो वो दो लोगों के लिए बोल रही हैं कि हम दोनों। सी फॉर अहम आई कैन रिलेट विद मी नो, हाँ अहम लिखामि, अहम वदामि, अहम आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग समथिंग, सो यू रिलेट इट विद मी नो, हाँ सो मी मींस अहम, हाँ so now if I want to distinguish between two people and more than two people, avam lika vah am vayam raksha maha, so vayam that is more than two will always end with maha, correct? No. Exactly. All vayam words? Raksha maha, vayam patha maha, vayam vadamah, वदाम एंड आवाम लिखा वह, इट विल ऑलवेज एंड विद वह, हां करेक्ट, पठावह लिखावह रक्षावह, इट विल ऑलवेज एंड विद वह, हां बिकॉज़ देयर शुड बी सम डिस्टिंक्शन, अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज्ड आई फील, तो यही तो डिस्टिंक्शन है। तो इसमें वह जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वयम मतलब जो बहुवचन है उसमें मह इंपॉर्टेंट है। ज्ञातं वा? आम ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। वयम रक्षामः बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कभी मिलेगी तो आप जरूर उसको पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। और वो शायद शकुंतला के ऊपर है, वयम रक्षामः इज अबाउट शकुंतला और वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, फेमस कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, तो शकुंतला ही है मेरे ख्याल से। चतुर्सेन यू सेड ना, आचार्य चतुर्सेन, हाँ चतुर्सेन। And what is यूयम? तो अब यहाँ से चलिए मध्यम पुरुष में, त्वम वदसि, तो त्वम इज तुम बोलते हो, या तुम लिखसि यदि बोल रहे हैं तो तुम लिखते हो, त्वम रक्षसि तो तुम रक्षा करते हो, ठीक है, तो वो सिंगुलर एक वचन है त्वम। फिर द्विवचन है युवाम, यदि तुम दोनों ऐसा करके मुझे बोलना है किसी दो लोगों के लिए, तो युवाम वदथः, युवाम लिखथः, और यूयम मतलब तुम सब, ऑल ऑफ यू, या ऑल ऑफ यू एग्जैक्टली, यूयम वदथ पठथ, तो ये थ को अलग से पूरा उच्चारण करना है, तभी उसका अर्थ साफ होगा, अर्थ समझेगा। तो अब इसमें कोई प्रश्न है यूयम में? हाँ, सो त्वम वदसि, सो ऑल वर्ड्स विल एंड विद सी फॉर त्वम, दैट इज द फर्स्ट, अस्तु फॉर त्वम, एंड फॉर युवाम इट विल बी थह, थह, हाँ, एंड देन यूयम विल बी थ, so C T H T, correct? हाँ C T H T C T H T, हाँ, and for उत्तम पुरुष it will me वह मह, हाँ, I don't know if I won't remember। नहीं आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे उपयोग करेंगे तब ही वो अपने आप आपके अंदर वो समा जाएगा। तो जैसे आप बार बार अहम वदामी, अहम पठामी ऐसे बोलते रहते हैं, याद रखने हाँ, ऐसा याद रखने से भाषा नहीं आएगी, उपयोग के साथ आएगी। तो जब भी आपको बोलना है कि उपयोग करना चाहिए, जैसे आप और आपके पतिदेव कहीं जा रहे हैं तो आप बोलिए आवाम गच्छावः, तो मतलब हम दोनों जा रहे हैं, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि उसको कैसे उपयोग करना है।
और आप लोग सब बच्चे और बड़े सब मिलके जा रहे हैं, तो फिर वयम गच्छामः, तो वो आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, जो भी सिचुएशन मतलब जो भी हो रहा है उसके हिसाब से आप वाक्य सोचेंगी, तो आपको समझ फिर ध्यान में आने लगेगा। पर हाँ, पहली बार के लिए आप शायद लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान करने के लिए लिखना ठीक है। पर वो आदत पड़ जाएगी, जैसे उपयोग की जरूरत पड़ती है ना, तो तब आप उसको करके देखिए। कोई भी सिचुएशन आई, जैसे अभी आप खाना खाने बैठेंगी, नवीन जी आप शायद किसी से बोल रहे हैं पर यहाँ आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे है क्या? हाँ, तो अभी आप खाना खाने बैठेंगी गीता जी, तो पहले बनाएंगी, तो तब आप बोलेंगी कि अहम पचामी, अहम भोजनम पचामी, तो मैं पका रही हूँ। और फिर जब आप सब लोग खाना खाने बैठेंगे तो तब आप बोलेंगी कि वयम खादा मह, कि हम खा रहे हैं या हम खाते हैं। तो जब प्रैक्टिकल चीजों में आप इनको उपयोग करेंगे ना, तब आपको वो ध्यान में आने लगेगा। ऐसे ये टेबल बना के हम कोई को, हमको कोई एग्जाम थोड़ी ना देना है कि बिल्कुल उसको याद रखना है, पर जहाँ पे जो आवश्यक है वो उपयोग करके देखिए वो सिचुएशन में, तो ध्यान में आने लगेगा। Now there is no, this is all present tense, no? This is not nothing to do with future tense, no? This is all present tense. हाँ, अभी तक हम फ्यूचर पढ़ना अभी हमने नहीं चालू किया है, और वो काफी थोड़ी एडवांस चीज है, क्योंकि और वैसे तो आसान है, जैसे वदामी की जगह वदिष्यामी लगा दिया, जैसे अभी मैंने बताया था ना वो गमिष्यामी, तो हम वदिष्यामी तो मतलब मैं बोलूंगा, आवाम लिखिष्यावह तो हम दोनों लिखेंगे, तो वो तो बन जाएगा आराम से, पर अभी हमने भविष्य काल का अभी नहीं देखना चालू किया है, अभी हम सब कुछ वर्तमान काल में ही है चल रहा है, और वर्तमान से ही सीखना सबसे सरल होता है सबसे पहले, बाद में फिर हम भविष्य भूतकाल सब करेंगे धीरे धीरे। और ये तो किसी भी भाषा में होता है, हम जब हिंदी सीखते हैं या अंग्रेजी सीखते हैं उसमें भी पहले सब कुछ प्रेजेंट टेंस में चलता है, बाद में बाकी टेंसेस सिखाते हैं वो लोग। ठीक है, तो अभी त्वम युवाम युयम भी आपको समझ गया, ठीक है, और आखिरी वाला जो है वो प्रथम पुरुष है, मतलब थर्ड पर्सन, तो सह वदति। अब प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों अलग अलग होता है, ये हमको पहले से पता है कि सह जो हम पुल्लिंग के लिए बोलते हैं और सा जो है हम स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं, राइट? सो सह वदति, हाँ, ये तो हमने पहले कक्षाओं में भी किया था ना, सहवदति सहलिखति, शुरू शुरू में ही हमने किया है। तो सह तौ ते, तो तौ है द्विवचन, मतलब वो दोनों, वे दोनों, हाँ, वे दोनों, और ते मतलब वे सब, दो से ज्यादा जो भी हैं तो वे सब, तो तौ पठतः, इसमें थोड़ा सा अलग है, जैसे यहाँ पे लिखा वह और वदथह था द्विवचन में, वैसे ही यहाँ तौ पठतः है, यहाँ पे त है अल्पप्राण और मध्यम पुरुष में वही महाप्राण था, वदथह था। तो यहाँ पे अल्प प्राण है, वदतः पठतः तौ पठतः, तो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों बोलते हैं, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों रक्षा करते हैं, तो तौ रक्षतः लिखतः, हाँ ते पठन्ति,
ते धावंती ते गच्छंती तो सह तौते ये पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग वाले दिख रहा है आपको सा ते ताह तो इसमें ते जो है यहाँ पे आ गया है तो अब ते का उपयोग दो अलग अलग पुरुषों में अलग अलग तरीके से होता है ते जो है पुल्लिंग में बहुवचन के लिए उपयोग होता है लेकिन ते स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए उपयोग होने होता है आता है आचार्य महोदय अहम विंशति अधिक अष्टवादनम अष्टवादने गच्छामि सम्यक् अस्तु हाँ अहम कक्षा समाप्तं करोमि एक निमिष तदनंतरम क्योंकि वो मेरा बेटियों का थोड़ा वो कथा पठनम है तेलुगु में वो अंतर जातीय तेलुगु हाँ तो उनका थोड़ा प्रिपेयर करना है तैयार करना है आपको अस्तु अस्तु तो गीता महोदय और कोई प्रश्न है इस तालिका में you can just finish off Anshu ji नपुंसकलिंग के लिए किधर रोबोट भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हाँ पर तत् में दूसरे क्रियाएं उपयोग होंगी जैसे तत् पतति तो वह गिरता है या तत् क्षिपति तो नहीं बोल सकते तत् भवति तो वह होता है इस तरह की मतलब जो भी नपुंसक लिंग की सूटेबल क्रियाएं हैं उनमें जो अप्रोप्रिएट क्रियाएं हैं वो उपयोग कर सकते हैं तत्तेतानि तो सह वदति सा वदति तौ पठतः ते पठतः तो क्रिया नहीं बदलती सिर्फ पुल्लिंग हाँ सो सा वदति ते वदतः हाँ विसर्ग भी तो है उत्तमम तो वैसे ही फल फल के लिए तत् पतति तो मतलब एक फल गिर रहा है या तत् पतति मतलब वह गिर रहा है वो नपुंसक लिंग जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी वस्तु है वो गिर रही है तत् पतति ते पततः और तानि पतन्ति तानि पतन्ति तो इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि पुनर्मिलामः अस्तु महोदय शुभरात्रि शुभ दिनः शुभरात्रिः नमः शुभरात्रि पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः धन्यवादः बहु धन्यवादः